हेलो दोस्तों आई एम मयंक आनंद फ्रॉम आई टी ग्वाटी एंड इन दिस वीडियो आई विल बी टीचिंग यू हाउ टू स्टार्ट मैथमेटिक्स फॉर जे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव ये बहुत मोस्ट डिमांडिंग टॉपिक था कि मैथ्स कैसे स्टार्ट करना चाहिए एंड सिंस मेजोरिटी ऑफ़ द स्टूडेंट्स का मैथ्स बहुत वीक होता है तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मैथ्स पढ़ने का क्या सही अप्रोच है मैथ्स के लिए बहुत सारा बुक्स अवेलेबल है अरिहन सिंगेज डिफरेंट टाइप ऑफ कोचिंग मटीरियल्स अदर बुक्स बहुत सारे हैं तो सबसे पहले हमें कोचिंग अगर आप कोचिंग कहीं जा रहे हैं एंड आपको लग रहा है कि आपका जो कोचिंग मटेरियल है एंड कोचिंग का जो टीचिंग है वो आपका जी एडवांस के लिए सफिशियंट है एंड मेजर एंड आपका हंड्रेड परसेंट सिलेबस वो कवर कर रहे हैं देन यू हैव टू स्टिक विथ कोचिंग नोट्स एंड डी पी पीज़ ऑफ दैट कोचिंग इंस्टीट्यूट पर ऐसा मेजारिटी केस में होता नहीं है मेजोरिटी जो भी आपके कोचिंग इंडस्ट्री में होता है कि आपको ऊपर ऊपर से सब पढ़ा दिया जाता है मेजोरिटी टॉपिक्स आपको छूट जाते हैं तो जिससे हम हमारे लिए कोचिंग नोट्स एंड डी पी पीज करना नहीं पॉसिबल रहता क्योंकि हमने जब थ्योरी ही नहीं पता होगा तो हम कहाँ से सॉल्व कर पाएंगे तो इसलिए अगर आपका कोचिंग में आपको लग रहा है कि अच्छा से नहीं पढ़ाया जा रहा है देन वॉट यू नीड टू फॉलो इज सिंगेज हाँ बहुत लोग बोलेंगे कि अरियंत क्यों अरियंत क्यों नहीं हम सॉल्व करें अरियंत का थ्योरी मुझे उतना पर्सनली बेटर नहीं लगा सिंगेज का थ्योरी मीन्स अप टू जी एडवांस लेवल फुल्ली सफिशियंट है तो कोई सेल्फ स्टडी करने वाला भी स्टूडेंट है जो इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकता है राइट तो तब आपको सिंगेज फॉलो करना है एंड देन आपको पी सॉल्व करना है बहुत स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि भैया ब्लैक बुक करना चाहिए कि नहीं देखिए ब्लैक बुक जो आपका होता है उसमें बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रहते हैं तो उसको वंस यू हैव सोल्व योर पी वाई की राइट देन यू नीड टू सॉल्व ब्लैक बुक तो ब्लैक बुक का बारी पी वाई की करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचे देन फॉर रिवीजन यू नीड टू सॉल्व ब्लैक बुक जो कि फैंटेस्टिक बुक है राइट तो देखिए मैथ्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है थ्योरी मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को लगता है कि थ्योरी क्या है मैथ्स में फॉर्मूला पढ़े देन वी नीड टू सॉल्व द क्वेश्चंस पर ऐसा नहीं है जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जैसे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जैसे चैप्टर में कंसेप्चुअल क्वेश्चन बहुत आते हैं अगर आपको बस फॉर्मूलाज़ पता है दैन जो टू लाइनर क्वेश्चन है उसको आप एक पेज में कीजिएगा पर वही अगर आपका थ्योरी पूरा क्लियर है तब आपको बहुत कम लाइन्स में और बहुत कम टाइम में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो थ्योरी कोई भी चैप्टर करने से पहले कोई भी चैप्टर के क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले आपका थ्योरी फुल्ली क्लियर होना चाहिए देन उस जितने भी फॉर्मलाज उस चैप्टर में दिए हुए हैं उन्हें कम से कम दो तीन बार आपको रिवाइज कर लेना है इसके बाद आप जब भी क्वेश्चन अटम्प्ट करेंगे तो आपको मेजोरिटी ऑफ द चीज़ क्लियर आपको नजर आएगी राइट तो अब जैसे कि सिंगेज हम मैंने बोला कि अगर कोई सेल्फ स्टडी स्टूडेंट है या फिर कोई कोचिंग में भी जा रहा है पर उनको लग रहा है कि एडवांस लेवल का कंटेंट मुझे फुल्ली नहीं मिल रहा है देन मैंने बोला कि सिंगेज सॉल्व करना चाहिए बट सिंगेज कैसे सॉल्व करें क्योंकि वो बहुत बल्कि बुक है राइट right? बहुत सारे क्वेश्चन है तो उतने सारे क्वेश्चन हमें करने चाहिए या नहीं करने चाहिए तो चलिए देखते हैं कि कैसे हमें सिंगेज सॉल्व करना है सिंगेज का जैसे कि मैं कॉर्डिनेट जोमेट्री लिया हूँ कॉर्डिनेट ज्योमेट्री से मैं हम समझते कि कैसे हमें सॉल्व करना है राइट right? जैसे कि देखिए हम कॉर्डिनेट जोमेट्री स्टार्ट करते हैं देन उसमें सबसे पहले देखिए कॉ कार्टिशन कॉर्डिनेट्स डिस्टेंस फार्मूला फर्स्ट क्वार्टेंट मीनस एकदम बेसिक ऐसा नहीं है कि आपको एडवांस लेवल का बुक है तो आपको बेसिक नहीं है नहीं एन सी आर टी से आपको उठाया गया कि कॉर्टेंट क्या होता है सेकंड क्वार्टन थर्ड क्वार्टन फोर्थ कॉर्टेंट व्हाट इज द डिस्टेंस फार्मूला ये आपका डेरिवेशन हो गया बहुत सारा इसमें देखिए मॉडुलस का ये ये सब बहुत बेसिक चीज है कि डिस्टेंस बिटवीन क्या होता है मॉड एक्स टू माइनस एक्स वन पर यह सब चीज़ बहुत, बहुत बार मिस आउट हो जाती है डायरेक्टली कभी यही मेन्स एडवांस में क्वेश्चन पूछ देगा मॉड एक्स वन माइनस एक्स टू तो हमें दिमाग में एकदम फट से आना चाहिए कि वो पूछ रहे हैं कि वॉट इज द डिस्टेंस बिटवीन एक्स वन एंड एक्स टू तो ये जो छोटा छोटा नोट पॉइंट्स है इट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट राइट तो फिर देखिए एग्जाम्पल्स आ जाते हैं सोल्व एग्जाम्पल्ल जो कि हमें सॉल्व करना है फर्स्टली हमें पाँच मिनट देख के अटैम्प्ट करना अगर नहीं बनते देन दैन वी नीट टू सी द सल्यूशन ऐसे ही जितने भी एग्जाम्पल क्वेश्चन हैं बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन मेजोरिटी इसमें रहता है तो देन यूनिट टू सोल्व देख सकते हैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल एरिया ऑफ पॉलीगन एन एच साइड एन एच साइड पॉलीगन सब कुछ दिया बस टेयर मेथड ये एक शॉर्टकट तरीका होता है जितने भी देखिए इसमें एग्जाम्पल्स हैं आपको सारे फर्स्ट टाइम जो पार्ट देन यूनिट टू सोल्व सेक्शन फार्मूला एम एज टू एन जो भी डेरीवेशन हो गया राइट right. पैलेलोग के लिए रॉम्बर स्क्वायर एंड रेक्टेंगल व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन देम व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ठीक है तो जितना भी है देखिए आपको सॉल्ड एग्जांपल है इन सेंटर का फॉर्मूला सेंट्रॉड का फॉर्मूला दिस आर वेरी बेसिक्स बट आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये ओ जी एच इस टू वन इज टू टू ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया एंड इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तो देखिए वंस यू हैव सॉल्ड सम लिमिटेड टाइप्स ऑफ सॉल्ड एग्जाम्पल जैसे कि इसमें पचीस है आफ्टर दैट आपको कंसेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज मिलेगा जिन्हें आप अगर कोचिंग में जाते तो आपको डी पी पीज वैसा मिलता है तो so सिमिलरली आपको जैसे कि आपने पच्चीस क्वेश्चन बनाया देन यू नीड टू अटम्प्ट दीज ऑल फिफ्टीन क्वेश्चन ठीक है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज बहुत अच्छे अच्छे लेवल के इसमें क्वेश्चन आता देन लोकस दिया हुआ है इक्वेशन ऑफ लोकस एग्जाम्पल्स डेरीवेशनस दिया हुआ है ये सब देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है देन अगेन कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन एक्सरसाइज आ जाती है देन अगेन शिफ्टिंग ऑफ ऑरिजिन एडवांस का फेवरेट टॉपिक है पूछते ही है रोटेशन ऑफ एक्सेस बहुत बारी सब छूट जाते हैं रोटेशन ऑफ एक्सेस ये सब हम नहीं पढ़ते हैं बेसिक बेसिक बस हम पढ़ लेते तो हैं उससे नहीं होने वाला कुछ भी तो जितना भी आपको एडवांस के लिए रिक्वायर्ड है इट इज़ प्रोवाइडेड एंड मेन्स के लिए तो सब सफिशियंट है स्ट्रेट लाइन ये सब सारा कुछ जब आप देखिए इसमें जितना भी है वंस यू हैव सॉल्व दीज क्वेश्चन राइट सारे टॉपिक्स को हमें अच्छे से पढ़ना है सारे सॉल्व एग्जाम्पल्स हमें सॉल्व करना है कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन भी हमें सॉल्व करना है ठीक है देखिए बहुत सारे प्रॉब्लम्स है वन एक्सरसाइज हो गया ऐसा जब जहाँ तक आपका देखिए मैं एंड मैप जा रहा हूँ देखिए एटी नाइन तो सॉल्व एग्जाम्पल्स ही होंगे देखिए बहुत सारे क्वेश्चंस हैं बहुत ही सारे देखिए आपका यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन 1.8 देखिए इसमें 12 क्वेश्चन है एंड सॉल्व एग्जांपल 106 एंड सिक्स देन यू कैन अंडरस्टैंड कि कितने सारे क्वेश्चन हैं इसमें तो देखिए हमें क्या करना था कि हमें जो भी उसमें सॉल्व एग्जांपल्स हैं ठीक है सॉल्व एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना है देन कंसेप्ट एप्लीकेशन को सॉल्व करना है वंस हम ये दोनों चीज़ सॉल्व कर लिए देन वी आर मीन्स सिक्सटी टू सेवेंटी वो चैप्टर हमारा बिल्ड हो चुका है ठीक है इसके बाद हमें उसके जो भी बैक प्रॉब्लम्स है जो कि यहाँ पर दिए हुए देखे हैं एक्सरसाइज सब्जेक्ट टाइप ये सब हमें नहीं अभी सॉल्व करना क्योंकि ऐसे ही हमने बहुत सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर दिया बट व्हाट वी नीड टू डू इज दैट वी नीड टू सी व्हाट आर द प्रीवियस क्वेश्चन जो पिछले सालों में आ चुके हैं राइट right? तो उसके बाद हमें पी करना है तब यहाँ पी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल आ जाता है ठीक है मेन्स का सबसे पहले हमें सॉल्व करना है देन एडवांस का राइट right? तब आप अगर आप इतना कर लिए हो तो आपको कहाँ से नया क्वेश्चन आएगा हाँ फर्स्ट टाइम आपको बहुत सारा लगेगा कि यार मैं तो ऐसा सोच नहीं पा रहा हूँ ये मेरे साथ भी हुआ था एंड ऑलमोस्ट नाइन्टी नाइन परसेंट स्टूडेंट्स लोगों के साथ होगा ही कि यार ऐसा कैसे उसमें ट्रिक लग गया या फिर ऐसा कैसे उसमें रीअरेंज करके उसमें सिंपल तरीके से सॉल्व कर दिया पर अगर आप फर्स्ट टाइम इसका सोलूशन देख के आप सीख जाते हैं देन आपके बाद में अगर वैसा टाइप का क्वेश्चन आएंगे तब आपको उसी समय स्ट्राइक कर जाएगा कि यार मैं तो ऐसा बनाया था तब तो इसमें ऐसा रीअरेंज करना था या ऐसा इसमें ट्रिक लग रहा था तो फर्स्ट टाइम हमें घबराना नहीं है यार मैं तो सोच ही नहीं पा रहा हूँ उस लेवल का तो मेरा एडवांस कैसे होगा यार देखो हम लोग अभी फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं अभी हम लोग इलेवंथ में तो हमें धीरे धीरे करना है धीरे धीरे जब हमारे इलेवंथ खत्म हो जाएगी फिर जब हम इलेवंथ का रिवाइज़ करेंगे तो हमें बहुत आसान लगेगा ठीक है इसलिए घबराना नहीं है मैथ्स है डिफिकल्ट क्योंकि इसमें प्रैक्टिस बहुत मांगता है देन वी नीड टू सॉल्व जो मांग रहा रिक्वायरमेंट हमें देखिए हमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है अपना कंफर्ट लेवल नहीं देखना है अगर एग्जाम मांग रहा है कि हमें प्रॉब्लम सॉल्विंग करना चाहिए देन वी नीड टू सॉल्व राइट इसीलिए इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ठीक है प्रॉब्लम सॉल्विंग करना है देन ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा अगर आप बस थ्योरी पढ़ रहे हैं फॉर्मुलज याद कर रहे हैं एंड यू आर नॉट सॉल्विंग एनी क्वेश्चन देन हाउ यू कैन थिंक डैट आप मेन्थ्स एंड एडवांस में आप सॉल्व कर लेंगे ठीक है तो बस आप यही चार पॉइंट्स का ध्यान रखिए देन आपका मैथ्स मीन्स बहुत ही अच्छा हो जाएगा मैं आपको समराइज कर दे रहा हूँ कि हमें बुक्स अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तब आपको बस सिंगेज एंड पी वाई क्यूज़ में स्टिक करना है अगर आप कहीं कोचिंग जा रहे हैं और आपको लग रहा है कि वहाँ सब चीज़ सफिशेंट एडवांस लेवल के सारे कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे हैं तब आपको कोचिंग नोट्स एंड डी पी एंड देन फाइनली पी वाई में स्विच करना है तब आपको सिंगेज की जरूरत नहीं है क्योंकि तो वहाँ आपका सारे थ्योरी कवर हो रहे हैं फाइनली हमें थ्योरी में भी एम्फेसिस देना है एंड फार्मूला रिविजन में विदाउट फॉर्मुला रिविजन एंड थ्योरी हमें कोई भी चैप्टर के प्रॉब्लम्स को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हो रहेगा दैन मैंने आपको बताया कि हमें सिंगेज कैसे सॉल्व करना दिस इज द राइट करेक्ट अप्रोच टू सॉल्व सिंगेज एंड फाइन फाइनली आई हेव टॉक अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग तो आई होप दोस्तों की आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा कि यार मैथ्स कैसे हमें पढ़ना है बस ऐसे आप पढ़िए एंड कुछ भी आपको फर्दर डाउट्स आते हैं देन यू कैन डेफिनेटली कॉन्टैक्ट मी थ्रू माई टेलीग्राम ग्रुप एंड अगर आपको कोई भी इम्प्रूवमेंट चाहिए वीडियोज़ में या फिर कोई अदर टॉपिक्स में वीडियोज़ चाहिए देन यू कैन डेफिनेटली कमेंट डाउन द कमेंट सेक्शन एंड ऐसे ही आप लोग पढ़ते रहिए मोटिवेशन एकदम हाई रखिए अभी आप इलेवंथ में फुल एनर्जी आपके पास होगा ऐसे ही हंसते रहिए पढ़ते रहिए मचाते रहिए थैंक यू